हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ओके, तो जो फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट एंटर करते हैं, अब उनको ये जानकारी नहीं होती कि उनको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सीखना चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर में क्या सीखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब आप एंटर करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपका प्लेसमेंट में आपको हेल्प मिल सके, आपका नॉलेज स्किल अपग्रेड हो सके। सेकेंड सेमेस्टर में जब आप एंटर करेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपको अपने प्लेसमेंट का जो प्रिपरेशन है वो पहले सेमेस्टर से चालू करना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीजों का पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस वीडियो में होगा, ठीक है, और मैं इन सभी चीजों को बहुत डेप्थ में बताने वाला हूँ, इसलिए आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए और आपको बहुत सारी नई नई जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद जब आप फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता होगा कि ठीक है, हम कॉलेज के क्यूरिकुलम एक्टिविटीज में तो आपका पार्टिसिपेंट रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो तो आपका कंपल्सन है, वो तो आपकी मजबूरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है, वो तो हर स्टूडेंट करता ही करता है। साथ में आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, क्योंकि जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो आपके पास समय का बहुत कम समय रहता है आपके पास, क्योंकि आप 6 o'clock तक तो आप कॉलेज में ही रहते हैं, 6 बजे तक आप कॉलेज के एक्टिविटीज में ही क्या पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद जब आप आते हैं उसके बाद आपका सबसे पहले क्या रहेगा, टाइम मैनेजमेंट रहेगा। तो आप इनिशियली आप एक टाइम मैनेजमेंट करिए कि आपको 1 या 2 घंटे का टाइम आपको अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्किल को अपग्रेड करने के लिए भी करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, तो सबसे पहले आपके पास 2 choice मैं आपको बताता हूं कि यदि आप चाहें तो C++ लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं या कि फिर चाहें तो आप पाइथन लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज आपके लिए बेटर चॉइस है। C++ लैंग्वेज में ऐसा होगा कि आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे बहुत ही इनिशियल लेवल से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। C++ लैंग्वेज जो है वो आपके बाद में जावा लैंग्वेज या .NET सीखना है या कोई भी लैंग्वेज सीखना है उसमें आपका हेल्पफुल होगा। दूसरा आपका रास्ता ये है कि यदि आपको डेटा साइंस, मशीन, मतलब आपको इसके लिए भी पहले फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे जाना होगा कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, ठीक है। यदि आपका जो गोल है फ्यूचर का वो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और AI की तरफ है, ठीक है, तो आपको उसके लिए पाइथन सीखना होगा। और यदि आपका गोल है कि आपको जावा सीखना है या आपको कोई .NET सीखना है या कोई आपको एंटरप्राइज एप्लीकेशन सीखना है, ठीक है, या कि आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, तो आप यदि C++ यदि सीखेंगे तो वो आपके प्रोग्रामिंग के लिए क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग के लिए एक पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज के डेट में कंपटीशन एज है, यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि आपने सीख लिया, ठीक है, और आपके कॉलेज की स्ट्रेंथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उनको पता ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो आप जो है उन स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपका जो मार्क होगा या आपका जो अपग्रेडेशन होगा उनके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि जब आप पहले सेमेस्टर में जाएं तो आप पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ बिल्कुल फोकस करिए और कोई ना कोई, मतलब आपका टारगेट यही होना चाहिए कि पहले सेमेस्टर में एटलीस्ट आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका, चाहे वो C++ हो या पाइथन हो, इसके अंदर के कॉन्सेप्चुअल स्किल बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं सेकेंड सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, वैसे फॉर एग्जांपल आपने C++ सीख लिया, ठीक है, या पाइथन सीख लिया। अब जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं तो उस समय फिर क्या करना चाहिए, तो सेकेंड सेमेस्टर में जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो है वो आपके इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉलेज की कंपनी आती है उसमें डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट आपसे बिल्कुल पूछते हैं। अब ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा का अरेंजमेंट, मतलब जैसे आप अभी जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने प्रोग्रामिंग किया होगा तो वहां पर आपका पूरा फोकस लॉजिक बिल्डिंग पे होगा कि आप इफ एल्स कैसे बनाते हैं, लूप कैसे चलाते हैं, एरे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट का पता चलेगा कि मेमोरी क्या होता है, स्टैक मेमोरी क्या होती है, हीप मेमोरी क्या होती है, ठीक है, मेमोरी के अंदर स्टैटिक मेमोरी क्या होती है, डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, क्यू क्या होता है, स्टैक क्या होता है, ठीक है, प्री कंडीशंस मतलब ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, ट्री स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट होता है, ग्राफ कैसे इंप्लीमेंट होता है, सॉर्टिंग टेक्निक कैसे इंप्लीमेंट होती है, सर्चिंग टेक्निक कैसे इंप्लीमेंट होती है, तो मतलब डेटा का पूरा अरेंजमेंट कैसे होता है, अलग अलग टाइप, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया, अब जब आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में यह भी आएगा कि जो आपने प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम का ऑप्टिमाइजेशन कितना है, ठीक है, इसके अंदर आपके प्रोग्राम के अंदर बेस्ट केस क्या है, इसका वास्ट केस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालते आना चाहिए,
ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में सीखने को मिलेगा। और हर कंपनी के जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी, जितने टॉप कंपनी है, वो डीएसए आपसे पूछते ही पूछते हैं। इसलिए आपको सेकेंड सेमेस्टर का पूरा स्लॉट आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के लिए रखिए। और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आप C++ से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पाइथन से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के लिए फॉलो करिए। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में बताता हूं कि आपको प्रोग्रामिंग के साथ आपको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आ गया, लेकिन आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताते नहीं आ रहा है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल भी आपको ग्रूम अप करना होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स यदि आपका स्ट्रांग होगा तो जितने भी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपको इंग्लिश के अंदर ही पूरा क्वेश्चन आपसे पूछती हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश के प्रिपरेशन भी अच्छे से करना चाहिए, साथ में आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा बेटर होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, इन पर भी आपको काम करना होगा। तो यदि आप इस तरीके से, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में यदि आप ये पूरा का पूरा स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आगे जब फ्यूचर में कंपनीज आएंगे उसके लिए आपके पास इनफ टाइम होगा और इनको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और आपके जो कंपटीटर है, मतलब जो अदर स्टूडेंट है, उनके कंपेरिजन में आप बहुत क्विकली ग्रो कर सकते हैं। और आपके प्लेसमेंट के जो प्लेसमेंट का जो प्रिपरेशन का टाइम, जब आप इंटरव्यू के समय आप करते हो, वो टाइम आप यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप मैंने आपको बताया, यदि आपने ये पूरा रोड मैप अच्छे से फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छे से आप टेक्नोलॉजी को लर्न कर सकते हैं और आपका जो प्लेसमेंट के लिए जब कंपनीज आएंगी तो वो आपके लिए बहुत सारा हेल्प आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड सेमेस्टर, ओके, इसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर में जैसे एंटर करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्टली आप नहीं बना सकते, आप C++ डेटा स्ट्रक्चर या पाइथन के थ्रू प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, इसके लिए आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर है इसमें आपको पूरा का पूरा जो वर्क है वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे करना चाहिए। अब इसके लिए पहले आपको ये सोचना है कि आपको प्रोजेक्ट किसमें बनाना है। आपको मोबाइल एप्लीकेशंस में प्रोजेक्ट बनाना है, आपको डेटा साइंस मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट बनाना है, या कि आपको कोई वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट बनाना है। यदि आपको मोबाइल एप्लीकेशंस में प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर उसके लिए आपको रिएक्ट नेटिव सीखना चाहिए या फ्लटर सीखना चाहिए, क्योंकि फ्लटर और रिएक्ट नेटिव ये मोबाइल एप्लीकेशंस में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, यदि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आप जावा सीख सकते हैं, आप पाइथन जेंगो के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, आप लर्न कर सकते हैं। तीसरा, आप ये PHP सीख सकते हैं या .NET सीख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में आपके पास बहुत सारा चॉइस है, आप मान स्टैक की तरफ भी जा सकते हैं, मेन स्टैक की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट में आपके पास बहुत सारा अलग अलग टाइप का चॉइस है। ठीक है, इसके बाद यदि अपन बात करें डेटा साइंस मशीन लर्निंग और AI, तो इसके लिए आपको पाइथन विद डेटा साइंस मशीन लर्निंग और AI की लाइब्रेरीज और एल्गोरिथम्स आपको बहुत इनडेप्थ सीखना होगा, तभी जाकर के आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर आपका पूरा का पूरा लर्निंग पे रहेगा। अब आप सभी चीजें एक साथ लर्न नहीं कर सकते, तो आपको ये चूज करना रहेगा कि आपको क्या मतलब किसको सेलेक्ट करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी। ओके, जब आप अच्छे से टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे उसके बाद जब आपका फोर्थ सेमेस्टर में जैसे आप जाते हैं, मतलब सेकेंड ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर है, जैसे आप एंटर करते हैं तो फिर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है अच्छा खासा सा। ठीक है, अच्छा सा प्रोजेक्ट आप कोई भी सोच सकते हैं, जैसे आप कोई मैनेजमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे आप यदि वेब एप्लीकेशन आपकी च्वाइस है तो आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हैं, रियल एस्टेट बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई स्कूल ERP बना सकते हैं, कोई हॉस्पिटल ERP बना सकते हैं, पैथोलॉजी सिस्टम बना सकते हैं, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है, यदि आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग AI के अंदर जा सकते हैं तो आप डायबिटीज डिटेक्शन का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इमेज रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का बना सकते हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का बना सकते हैं, या कि ML के अंदर तो बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे जहां पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन में आप कोई चैट इंजिन बना सकते हैं। ठीक है, यदि आप ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हैं, कि छोटा सा आप कोई टू डू एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस होंगे वो आगे जब आप थर्ड ईयर के अंदर जब आप कंपनीज के अंदर बैठेंगे या कंपनीज में इंटरव्यूज देंगे तो इंटरव्यूअर का पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि आपने किस कौन सा प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो आपने पहले से यदि आपने प्रोजेक्ट बना दिया तो आपके लिए एडवांटेज होगा और आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली बता सकते हैं, और साथ में प्रोजेक्ट के अंदर आपको टेक्नोलॉजी पूछेगा तो वो टेक्नोलॉजी बता सकते हैं, और प्रोजेक्ट की जो भी टेक्नोलॉजी होगी उसके रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही पूरा का पूरा आपका इंटरव्यू बेस्ड होगा। तो आज के डेट में यदि आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, यदि आपने बाय स्क्रैच प्रोजेक्ट डेवलप नहीं किया है, तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहले से ये पूरी चीजें प्रिपरेशन करना है कि आपका, मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूं पूरा कंप्लीट रोड मैप, कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में C++ और पाइथन ये आपको सीखना चाहिए। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपको पूरा काम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे करना है, मतलब सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपको डीएसए के अलावा कुछ भी नहीं सीखना है, आपको पूरा सेकेंड सेमेस्टर डीएसए पे बेस्ड होगा, क्योंकि डीएसए अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है।
ठीक है। डीएसए के अंदर आपको बहुत सारा समय देना पड़ेगा, लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हो, आप सी कर सकते हो, सी प्लस प्लस कर सकते हो, पाइथन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में आपको सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज पढ़नी है और वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेट होना चाहिए। यदि आपको प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट में करना है तो आपको जावा या पाइथन के अंदर आपको एडवांस चीजें सीखनी होगी। यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव सीखनी होगी, और यदि आप एमएल और एआई में जा रहे हैं तो आप पाइथन डेटा साइंस एमएल एआई की लाइब्रेरीज और एल्गोरिथम्स सीख सकते हैं। और जो आपका फोर्थ सेमेस्टर होगा, मतलब जो आपका लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर होगा सेकेंड ईयर का, उसमें आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कुछ यूनिक आइडियाज के साथ होना चाहिए, जो आप अपने रिज्यूम में मेंशन करेंगे और इंटरव्यूअर्स उसी प्रोजेक्ट पे पूरा का पूरा डिस्कशन करेगा। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप है। यदि आप ये रोड मैप कंप्लीटली फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है और आगे के सेमेस्टर्स में आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा और आपका जो प्लेसमेंट का रेशियो होगा वो आपका 80% चांसेस और ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे प्लेसमेंट्स होने के, एज कंपेयर टू ऐसे स्टूडेंट जो थर्ड ईयर से लैंग्वेज सीखते हैं। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर से लैंग्वेज सीखते हैं या फर्स्ट ईयर से लैंग्वेज सीखते हैं तो आपका लैंग्वेज में कमांड एज कंपेयर टू उन स्टूडेंट से ज्यादा बेटर होगा जो थर्ड ईयर में लैंग्वेज सीखते हैं। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जो रोड मैप मैंने आपको बताया है उस रोड मैप को आप फॉलो करिए। यदि आप परफेक्टली फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से हैंड्स ऑन भी हो जाएगा और आपका प्लेसमेंट भी होना 100% बिल्कुल है ही है, आप प्लेस्ड होंगे ही होंगे। थैंक यू टू वॉचिंग।